हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज प्रोवाइडर में। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसको जो है हम लोग डील करने वाले हैं। और इसके बाद जो है जब सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। पहला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। चलिए, फलों के बीज परिवर्तित स्वरूप है किसका? तो बीजांड का। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिसको अवरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अंड प्रजनक है? तो पुष्पीय पादक जो है अंड प्रजनक है। चलिए उसके बाद है, नेक्स्ट है, ऑर्निथोफिली द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्ड। बर्ड का हिंदी क्या होता है? पक्षी। ठीक है, ऑर्निथो का मतलब ही पक्षी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पक्षियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंथिस का अर्थ है, एंथिस का अर्थ क्या होता है? तो पुष्प कलिका का खुलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन नर युग्म का संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन करके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सहायक कोशिका क्या करती है? नर युग्मक से जो है संयोजन करती है और फिर भ्रूणपोष बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, RNA जो एमिनो अम्ल के एक ग्राही के लिए ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है वो क्या है? तो tRNA है। ठीक है, बहुत सारा आप पढ़े होंगे, mRNA, nRNA, hnRNA, tRNA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राही अणु के लिए पूछ रहा है एमिनो अम्ल में, तो क्या हो जाएगा? tRNA। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा यौग संचारित रोग है? तो यौग संचारित रोग कौन सा होगा? तो सिफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यौन संचारित रोग याद रखिएगा, सिफिलिस क्या है? यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट देखिए, निम्न बीजांड के आधारी भाग को दर्शाता है, निम्न बीजांड के आधारी भाग को कौन दर्शाता है? तो बीजांड वृत्त दिखाता है। ठीक है, जिसको ओवरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर कितने शुक्राणु बनाते हैं? तो शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर कितने शुक्राणु बनाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लंबवत द्विभाजन पाया जाता है, लंबवत द्विभाजन किस में पाया जाता है? वर्टिकल साइमेट्रिकल डिवीजन क्या होता है? ये हो गया आपका अमीबा में। ठीक है, ये जो है हमेशा इसमें क्या होता है? बाइनरी बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, ये जो है दो भागों में बढ़ता है इसका, और ये जो है अपना जनसंख्या कैसे बढ़ाता है? बाइनरी फिशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पेरी स्पर्म इज अ रिमाइंडेड पोर्टेशन। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? पेरी स्पर्म जो है वो किस चीज़ का भाग होता है? तो यहाँ पे भाग किसका हो जाएगा? किसका अवशेष है देखिए, तो बीजांडिकाई का जो है पेरी स्पर्म भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या हुआ? इनमें से कौन में निषेचन आंतरिक होते हैं? ठीक है, तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? एंजियोस्पर्म में जो है आंतरिक निषेचन होता है। और चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ मछलियों में भी होते हैं लेकिन सारे मछलियों में नहीं होते, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट है, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का मुख्य अंतर अंतर होता है। तो ग्राम क्या पूछा है? ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मुख्य अंतर क्या होता है? तो मुख्य अंतर जो है पिल्ली का होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।